बच्चों सब तो पहला आपां गल करते हाँ मानसिक योग्यता परीक्षण वाले भाग की। ठीक है, इस भाग के 40 सवाल थोड़े तो पूछे जाएंगे ते ये जिहड़े 40 सवाल है ये 10 भागों के वंडे होणगे। ठीक है, तो जिहड़े 10 भागों के वंडे होणगे हर एक भाग के 4 क्वेश्चन होणगे जिहड़े इक्को तरां दे होणगे। हुण आपां इहनूं डिटेल दे विच समझदे हां, गल तुहानूं ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ लग जाएगी। हुण देखो ये होएगा जी मैंटल एबिलिटी टेस्ट, इस दे विच की होएगा डायग्राम ही डायग्राम दित्ते होणगे ते सारे जिहड़े 40 दे 40 सवाल है ये डायग्राम यानी कि चित्रां दे बेस ते होणगे। किस तरीके नाल होणगे ये चीज़ भी आपां अगे जाके डिस्कस करांगे। देखो ये आ गया जी पहला भाग, ये होएगा मानसिक योग्यता परीक्षण वाला पहला भाग जिहड़ा है जी ओल्ड मैन आउट। आपां सिर्फ अपनी भाषा दे विच गल करिए तां तुसीं वखरे दी पछाण करनी होएगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पहला भाग होएगा तो एक तो लैके 4 सवाल इहोजे होणगे जिन्हां विच तुसीं वखरे दी पछाण करनी होएगी। देखो ये 4 डायग्राम तुहाडे सामने दिते गए है, डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी ते डायग्राम डी। हुण तुसीं वीडियो रोक के देखो कि ये जिहड़े डायग्राम तुहाडे सामने दिते गए है इन्हां विचों वखरा डायग्राम किहड़ा है। जे तुसीं पेपर देण जा रहे हो तो फटाफट दसो कि इन्हां विचों वखरा डायग्राम किहड़ा है। वीडियो रोक के तुसीं सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के लिख सकते हो। तो हुण देखो ध्यान नाल, ये जिहड़ा बॉक्स है हर एक जिहड़ा डायग्राम होएगा उस दे बार इस तरीके का बॉक्स बनया होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो सेम है। उस तो बाद तुसीं देखोगे इस तरीके नाल एक होर बॉक्स टेढ़ा करके इस दे विच बनाया होया है। ठीक है, सारिया विच बनया होया है, लाइना सारिया विच लगी हुई है इस तरीके नाल। ठीक है, देख सकते हो। उस तो बाद तुसीं निगाह मारोगे तो एक छोटी जी लाइन होर तुहानूं शो हो रही है, ये देखो ए रही छोटी जी, ये जिहड़ी छोटी जी लाइन है बॉक्स की बाहर वाली साइड कट रही है। ठीक है, ये अंदर वाली साइड कट रही है, ये भी अंदर वाली साइड कट रही है, तो ये भी अंदर वाली साइड कट रही है। ठीक है, तो डिफरेंट केड़ा हो गया, ये देखो ये बाहर वाली साइड कट रही है, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके नाल तुसीं 4 सवाल जिहड़े उह सॉल्व करने होंदे है। नैक्सट पार्ट दे वल चलदे आ, जां तां नैक्सट जिहड़ा तुहाडा पार्ट होएगा वह होएगा जी जिहड़े डायग्राम दित्ते होणगे उहनां नूं मैच करन दा। ठीक है, इक्को जिहे डायग्राम लभण दा। तो देखो इस तरीके दे वी 4 सवाल होणगे, सवाल 5 तों लैके सवाल 8 तक इहो जिहे सवाल होणगे जिन्हां विचों तुसीं ये तुहानूं सवाल दे विच मान लो डायग्राम दिता होया तो वह जिहा ही डायग्राम तुसीं इन्हां 4 विचों लभना होएगा। जमा ही सिंपल जे क्वेश्चन होणगे तो इस तरीके नाल 4 सवाल तुसीं सोल्व करने। हुण देखो ये जिहड़ा डायग्राम है इन्हां विच फटाफट लभो तुहानूं कित्थे शो हो रहा है। ठीक है, देखो कित्थे शो हो रहा है, सिंपल तरीके नाल लभ सकदे हो कि ऑप्शन सी दे विच तुहानूं ये डायग्राम शो हो रहा है, तो तुसीं आपदी OMR सीट जिहड़ी होएगी उस दे विच ऑप्शन सी वाला गोला जिहड़ा उस तरीके नाल काला कर दोगे। ठीक है, इस तरीके दे 5 तों 8 तक 4 सवाल थोड़े तो पूछे जाएंगे। अगे चलांगे तो इसका नैक्सट पोर्शन आएगा, ये होएगा पैटर्न कंप्लीट करने वाला, 9 तों 12 तक सवाल इस दे विच पूछे जाएंगे। तो देखो इस तरीके का सवाल होएगा। ठीक है, इस तरीके का सवाल तुहानूं दिता होएगा, ये बॉक्स है तो इस बॉक्स के कुछ डिज़ाइन बनाए हुए है, तो इन डिज़ाइनों के 3 खाने तो पूरे है बट एक खाना जिहड़ा कि गुआच गया तो इधर आके डिग गया। हुण तुसीं लभना है कि यह खाना केड़ा होएगा जिहड़ा इस डायग्राम नूं कंप्लीट कर दे, वह खाना तुसीं लभना होएगा। तो ईजीली तरीके नाल तुसीं इन्हां विचों देख सकते हो, सेम इसे तरीके का खाना होना चाहिए जिहड़ा इत्थे लग्या होया। ठीक है, तो देखो केड़ा होएगा, यह होएगा जी ऑप्शन ए वाला। तो इस तरीके नाल भी तुसीं 4 सवाल सोल्व करने है, सेम पैटर्न कंप्लीट करना होएगा। नैक्सट जिहड़ा तुहाडा पोर्शन होएगा वह होएगा जी सीरीज़ का, जिहड़े डायग्राम होणगे उहनां दी सीरीज़ जिहड़ी आ उह बणदी होएगी। जिवें कि तुसीं इत्थे देखो एक सीरीज़ बन रही है, पहला लाइन थे फिर मल्टीप्लाई का निशान, उस तो बाद इस तरीके नाल 2 लाइन मल्टीप्लाई थले सर्कल, उस तो बाद 3 लाइन मल्टीप्लाई सर्कल मल्टीप्लाई, तो उस तो बाद बॉक्स जिहड़ा कंप्लीट होएगा। पैटर्न की फॉलो कर रहा है, एक लाइन बढ़ रही है तो एक सिंबल बढ़ रहा है ना। देखो हूँ इस तरीके लाइना 4 हो जाएगी, इतने मल्टीप्लाई का फिर सर्कल फिर मल्टीप्लाई फिर सर्कल, ये जिहड़ा है पैटर्न इतने कंप्लीट होएगा ऑप्शन सी दे विच। तो तुसीं आपदी OMR सीट दे विच की भर देना है ऑप्शन सी, तो इस तरीके दे पैटर्न कंप्लीट करने वाले भी तुहानूं 4 सवाल दिते जाणगे। ठीक है, ये सवाल होणगे 13 तों लेके 16 तक दे। अगे चलदे आ,
नैक्सट पार्ट दे विच तुहानू पूछा जाएगा जी एनोलॉजी बारे। ये देखो जिवें कि ध्यान नाल देखियो तुसी, पहले डायग्राम का रिलेशन दूजे नाल है, उस तरीके का रिलेशन तीजे का चौथे नाल होना चाहिए। तो हुण तुसी वो चौथा डायग्राम लभ के लियाना है जिहड़ा इस रिलेशन नू फॉलो करता होए। ठीक है, जिवें कि देखो ये जिहड़ा त्रिभुज अपना बनया होया, इसकी उत्ते वाली अद्धी साइड इस तरीके नाल लाइनां नाल भरी हुई है, फिर बस इस त्रिभुज नू उल्टा किया होया तो ये साइड जिहड़ी उह थल्ले आ गई। सेम इस तरीके नाल हुण आपां ये जिहड़ा है इहनू उल्टा करांगे तो ये जिहड़ी शेप है ये बन जाएगी, की बनेगी, ऑप्शन ए वाली। तो इस तरीके नाल तुसी फिगर जिहड़ी है उन्हां नू चैक करना है। जिहड़ा मानसिक योग्यता परीक्षण का छेवां भाग होएगा उस दे विच जियोमैट्री तो रिलेटड कुछ चित्र तुसी कंप्लीट करने होणगे, जिस दे विच हो सकदा है ट्रायंगल बनदा होए, ठीक है, जिहनू आपां त्रिभुज कहिंदे आ, हो सकदा है स्क्वेयर बनदा होए जिहनू आपां वर्ग कहिंदे आ, हो सकदा है सर्कल बनदा होए। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम तुसी कंप्लीट करने होणगे ते 21 तो लेके 24 तक इहो जे क्वेश्चन तुहाडे तो पुछे जाणगे। हुण चलदे आ नैक्सट वी क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। ये देखो तुसी ध्यान नाल, ये देखो इत्थे तुहाडे सवाल वाला चित्र दिता गया है ते ये है जी तुहाडे ऑप्शन, इन्हां विचों किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके तुसी इहनू पूरा स्क्वेयर बनाना है। हुण कई कैंडिडेट की है इस दे विच गलती ये करनगे कि डायरेक्ट ये फिगर चक के इत्थे ला देणगे, बट इदां दा नहीं करना। देखो जे तुसी सीधा ही इसनू इस तरीके नाल मैच करन दी कोशिश करोगे तां ये स्क्वेयर नहीं बनेगा। ठीक है, ये स्केयर नहीं बनेगा। स्केयर बनाने वास्ते जरूरी है कि इसकी जिहड़ी हाइट है उहनू थोड़ा जिहा उच्चा करिया जाए, थोड़ा जिहा उच्चा करिया जाए, फिर इस तरीके नाल इहनू कंप्लीट कर दिता जाए। ये वाला जिहड़ा खाना मैं ब्लू कलर नाल इत्थे कलर किया है, ये वाला पोर्शन आपां नूं कित्थे शो हो रहा, देखो ये हो रहा ऑप्शन ए दे विच। ठीक है, तो अपना जवाब की हो जाएगा, अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बहुत ही सोच विचार के समझ के तुसी आपदे सवालों के जवाब देने हैं। अगे चलते नैक्सट जिहड़ा भाग होया जी 7 नंबर का, ये शीशे वाली इमेज बारे होएगा तो इस तो रिलेटड 25 तो लैके 28 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न होएगा तो सवाल कुछ इस तरीके के होणगे। ठीक है, जिवें मान लो मैं एक पेपर के उत्ते लिखा TBAT, ठीक है, ये मेरा कोई कॉपी का पेज है, इस दे उत्ते मैं लिखा TBAT तो इत्थे मैं शीशा लाया तो हुण जदों शीशे विच इहनू देखांगे तो किस तरीके का शो होएगा तुसी दसना है। जे तुसी क्लासा कोई करी हुई है रीजनिंग की तो ईजली दस सकते हो कि जदों कोई चीज़ आप शीशे विच देखते हैं ना उसका दायां तो बायां दिसदा है तो बायां दायां दिसदा है। ठीक है, यानी कि राइट तो लैफ्ट दिसदा है तो लैफ्ट राइट दिसदा है, तो कन्फ्यूज है इस दे विच नहीं होना। देखो ये जिहड़ा टी है आपां नूं इत्थे शो होएगा, ठीक है, उस तो बाद ये जिहड़ा ए है आपां नूं इत्थे शो होएगा, ये जिहड़ा बी है शो आपां नूं इत्थे होएगा, बट इहदा जिहड़ा दायां है वह तो बायां हो जाएगा तो जिहड़ा बायां है वह दायां हो जाएगा। इस तरीके की बी आपां नूं शो होएगी, उस तो बाद ये टी आपां नूं इत्थे शो होएगा। तो देखो ये चीज़ आपां नूं किहड़े ऑप्शन दे विच मिल रही है, इस तरीके का टी, फिर ए, फिर बी, तो फिर आपां नूं टी, कितने शो हो रही है ऑप्शन डी दे विच। इस तरीके नाल सवाल तुसी सोल्व करने हैं। नैक्सट जिहड़ा भाग होएगा 8वें नंबर का, उस दे विच तुसी कागज़ नूं फोल्ड करके उस दे विच होल करके जिहड़े डायग्राम बनते हैं वो वाले क्वेश्चन सोल्व करने होणगे ते 29 तो लैके 32 नंबर के क्वेश्चन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होणगे। जिवें कि देख सकते हो ये तुहाडा क्वेश्चन वाला पैटर्न है ते इहनां विच तुसी दसना है कि किस तरीके का कागज़ जिहड़ा है वह खोलण तो बाद दिसेगा। तो देखो ये एक सिंपल पेज है, इनू आपां अद्धा मोड़दे आ, उस तो बाद अद्धे पेज नू फिर मोड़दे आ तां ओ जिहड़ा है इस तरीके नाल स्क्वेयर बन जांदा है। तो इस तो बाद आपां जदों इस दे विच इस तरीके नाल कट करदे आ ते एक होल करदे आ, उस तो बाद जदों पेज नू खोलदे आ तां ओ किस जिहा दिसेगा, किहो जिहा दिसेगा, तां इह दिसेगा जी ऑप्शन ए वर्गा। ठीक है, बाकी डिटेल क्लासां जदों तुसीं लाओगे सारी चीज़ां ईजीली तुहानू समझ लग जाएगी। इत्थे भाग 9 की गल करिए मानसिक योग्यता दे भाग 9 की, तो इस दे विच की होएगा कुछ डायग्राम होणगे जिन्हां नूं कट्टिया होएगा, ते विचाले थोड़ी थोड़ी स्पेस तुहानूं दिसेगी, तुसीं ज़्यादा कुछ नहीं करना, उस स्पेस नूं हटाना है ते देखना कि डायग्राम किहो जिहा दिसेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 तो लैके 36 तक इहो जिहे क्वेश्चन तुहाडे तो पुछे जाणगे सेम पैटर्न दे। देखो ये हो गया तुहाडा क्वेश्चन, हुण देखो ये है थोड़ा क्वेश्चन वाला डायग्राम, तुसीं बस ये दसना है कि जदों इस दे विचाले जिहड़ी स्पेस है, ठीक है, वाइट वाइट लगी तुहानूं शो हो रही है, जदों आपां ये स्पेस हटावांगे तां डायग्राम किहो जिहा दिसेगा, सिंपल जी गल है। ठीक है, तुसीं बस ये मान लेना है कि ये स्पेस है ही नहीं, जां तुसीं आपदे पेपर विच पेंसिल नाल इस तरीके नाल कर लेना,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵਰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਾਗ 10ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ 37 ਤੋਂ 40 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੋਦਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਬ।